वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए फिर से एक नया ट्रिक लेकर आया हूं, जो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। आज मैं बताने वाला हूं कि किसी भी मल्टीप्लाई को हम कैसे ट्रिक से निकाल सकते हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि मैं इसी तरह के नए नए वीडियो बनाता रहता हूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक पे आता हूं। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है 47, उसको हमको 99 से गुना करना है। तो सबसे पहले हम 47 से तो एक कम लिख लेंगे कि क्या हो जाएगा 46। उसके बाद क्या करना है, 4 में हम कितना जोड़ेंगे कि 9 पुट जाएगा, तो 4 में हम जोड़ लेंगे 5 तो हो जाएगा 9। फिर 6 में हम कितना जोड़ेंगे कि हो जाएगा 9, तो 6 में हम जोड़ लेंगे 3 तो हो जाएगा 9। तो देखिए इसका कितना आसानी से निकल गया। उसी तरह अब ये है 73, तो इसको भी एक कम लिख लेंगे, 72 हो गया। अब फिर 72 है तो अब 7 में कितना हम जोड़ेंगे कि 9 हो जाएगा, तो 7 में हम जोड़ लेंगे 2 तो हो जाएगा 9। फिर हम 2 में कितना जोड़ेंगे कि 9 हो जाएगा, तो 2 में हम जोड़ लेंगे 7 तो 9 हो जाएगा। देखिए ये भी कितना आसानी से निकल गया। अब है 786, तो इसको हम एक कम लिख लेंगे 750। अब क्या करना है, 7 में हम कितना जोड़ेंगे कि 9 पूरेगा, तो 2 जोड़ लेंगे। फिर 8 में हम कितना जोड़ेंगे कि 9 हो जाएगा, तो 1 जोड़ लेंगे। फिर 5 में हम कितना जोड़ेंगे कि 9 हो जाएगा, तो 5 में हम जोड़ लेंगे 4 तो 9 हो जाएगा। और ये भी आसानी से निकल गया। अब फिर है 8546, तो इसको क्या करना है, यहाँ ही लिख लेना है 8546 है तो यहाँ पे 45 कर देना है। अब इसमें 8 में हम कितना जोड़ेंगे कि 9, तो 1 जोड़ लेंगे। फिर 5 में कितना जोड़ेंगे कि 9 हो जाएगा, तो 5 में फिर हम जोड़ लेंगे 4। फिर यहाँ 9 है तो फिर हम 4 में कितना जोड़ेंगे कि 9 हो जाएगा, तो 5 जोड़ लेंगे। फिर यहाँ है 5, तो अब इसको हम कितना जोड़ेंगे 9, तो फिर यहाँ पे हम 5 में 4 जोड़ लेंगे। तो देखिए ये भी आसानी से निकल गया। अब क्या है 7440, तो इसको भी टोटल चाहे लिख लेना है और यहाँ पे 39 लिख देंगे। अब यहाँ पे 7 में हम कितना जोड़ेंगे कि 9 हो जाएगा, तो 2। फिर यहाँ 4 में हम कितना जोड़ लेंगे, तो 5। फिर 3 में हम कितना जोड़ लेंगे तो 9 हो जाएगा, तो 3 में हम 6 जोड़ लेंगे तो 9 हो जाएगा। फिर यहाँ 9 में हम कितना जोड़ेंगे, तो 9 में तो 1 भी नहीं जोड़ेगा, तो यहाँ 0 का 0 हो जाएगा।